ਸਾਵਾਦਾ ਵੀਰ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖਾ ਪਧਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਮੀ जय भीम नमः बुधाय। सर मैं सुरेश बराड़ हरियाणा के हिसार जिले से हूँ सर, और लगातार इस मीटिंग को मैं अटेंड करता रहता हूँ। मेरे तो सर एक थोड़ी सी जिज्ञासा थी, आज के दैनिक भास्कर अखबार में हरियाणा से वो छपा था, उसमें एक खबर पढ़ी थी मैंने, मैथोलॉजी के नाम से एक कॉलम छपता है, तो उसमें गौतम बुद्ध के रिगार्डिंग थी कि उसमें गौतम बुद्ध का जब संस्कार हुआ था तो उनके संस्कार के बाद उनके जो अवशेष थे वो शाक्य वंश को दिए जाने थे, लेकिन तभी कोई सात राजाओं ने आक्रमण करके कुशीनगर पर उन्होंने भी अपना हक जताया, और फिर कहते कोई द्रोण नामक ऋषि ने वो उनके जो अवशेष थे उनको आठ भागों में आठ डिब्बों में बंद करके और सबको बांट दिया। तो सर मेरी ये जिज्ञासा यदि कोई बता सकता है तो द्रोण नामक ऋषि, इसके बारे में जानना चाहता हूँ सर, ये कहाँ से आए बीच में, कौन से द्रोण नामक ऋषि थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध के अवशेषों का बंटवारा किया था। देखो जितनी भी कथा और कहानी हमारी पुरानी है उनमें हमेशा आपको मिलेगा एक गरीब याचक ब्राह्मण, एक गरीब याचक ब्राह्मण। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा से जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है वो गरीब याचक रहा है। याचक मतलब मांगने वाला, तो वो मांगने वाला रहा है और वो शुरू में लेबर था, यानी लेबर का काम करता था। तो कभी भी आपने एक गरीब समण नहीं सुना होगा, ना कभी कथा में ना कहानी में, यानी हम समण समाज के लोग हैं, किसी भी कथा में ये नहीं लिखा हुआ कि एक गरीब याचक समण, यानी हम मांगने वाले नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब गरीब याचक जो ब्राह्मण है उसको देने वाला कौन है, समण लोग हैं, हम देते थे क्योंकि हम ही यहाँ के सारे राजा थे और हमारी गण परिषद थी, वो सिर्फ याचक था, ऑलवेज याचक था, मांगने वाला भिखारी। तो वहां जब बुद्ध को जलाया गया और जलाने के बाद में क्योंकि जो उनकी अस्थियां थी उन पे स्तूप बनने थे, उनको लोगों को लेकर जाना था, वो उनके टीचर थे, तो वहां आठ जो लोग थे कबीलों के वो आए, तो वहां बांटने का काम था, तो राख को ठंडा करना और बांटने का जो काम है वो लेबर से कराया जाता है, आज भी लेबर करती है। तो एक द्रोण नाम का जो ब्राह्मण था वो लेबर का काम करता था, तो उसने वहां साफ सफाई की, उसने वो आठ भागों में उसे बांटे और आठ भागों में आठों लोग लेके चले गए। तो वो फिर अपना मेहनताना मांगने लगा कि मेरे को जी मेहनताना दो, तो मेहनताने में उसको जो वो बाद में एक पात्र बचा हुआ था जिससे वो इकट्ठा किया गया उसी को दे दिया कि तूने इससे साफ किया है तो इसी को ले जा। तो वो हमेशा से याचक रहे हैं, मगर क्या हुआ हमारे साहित्य को उल्टा करके पलट दिया और उसको जो लेबर था जो याचक था उससे उसको दौड़ भ्रमण करके और उसको हाईलाइट करने की कोशिश की गई। वो इसी नहीं था, वो ऋषि नहीं था, वो वहां काम करने वाला लेबर था और सारे ब्राह्मण जितने भी हैं वो लेबर और याचक ही रहे हैं। क्योंकि कहानियां हमने लिखी नहीं तो सम्मण हम रहे हैं देने वाले, हर कहानी में देने वाले हम हैं, लेने वाले वो है, मांगने वाले वो है, भिखारी वो है। इसलिए उस कहानी को उस तरह से पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगी। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं,
हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Singam sirunam gacchami.